चाबहार समझौते पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। भारत, रूस और ईरान ने मिलकर बनाया बेहद तगड़ा प्लान। बिलबिलाकर रह गया वॉशिंगटन, भारत ने निकाली सारी हेगड़ी। रूस छोड़ो, भारत की धमक की खुद पाकिस्तान कर रहा तारीफ। दोस्तों, भारत इस वक्त अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए सबसे बेहद जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ हमारे संबंध हों। इसके साथ ही मित्र देशों के साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे मजबूत जरिया पहुंच मार्ग आसान होने चाहिए। चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए पूरी दुनिया में अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है, जिसके जवाब में भारत ने अपनी तैयारी को मजबूत करना शुरू किया है। भारत के जिस भी रास्ते को चीन ब्लॉक करना चाहता है, उसके लिए भारत काउंटर प्लान तैयार कर रहा है। वहीं रूस के साथ मिलकर INSTC परियोजना पर काम कर रहा है, जिसका तगड़ा फायदा उसे होने वाला है, और इसके जरिए चीन के इरादों को तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने चीनी BRO परियोजना के तहत ग्वादर पोर्ट बनाकर भारत को चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन भारत इसके जवाब में चाबहार पोर्ट खड़ा कर रहा है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका द्वारा भारत को इसके लिए ईरान के साथ रिश्ते रखने की छूट दी गई थी। इस समझौते से जुड़े कुछ ऐसे पहलू अब सामने आए हैं, जिसके बाद दुनिया भारत की धमक को झुककर सलाम कर रही है, और खुद पाकिस्तान भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा है, जिसे ईरान से गैस पाइपलाइन बनाने पर अमेरिका ने जमीन सूंघा दी थी। इस सीक्रेट डील से जुड़े हर बिंदु के बारे सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत की जबरदस्त रणनीति के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चाबहार भारत की इकोनॉमी के लिए साबित हो रहा बवंडर मजबूती। चीन के ग्वादर को कर डाला बर्बाद, अब अफगानिस्तान भी हुआ शामिल। भारत ने अमेरिका को झुकने पर किया मजबूर, नहीं कर सकता मनमानी। चाबहार भारत के लिए बेहद जरूरी था, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि ये मामला अब केवल भारत का सपना ही बनकर रह जाएगा, लेकिन PM मोदी के दमखम ने आखिर इसे फिर से शुरू करवा दिया, और अमेरिका भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाया। भारत की इस तगड़ी रणनीति को देखकर दुनिया ये मानने को मजबूर हो गई थी कि भारत अब कोई छोटी ताकत नहीं, वो कोई ऐसा देश नहीं जो किसी के इशारे पर चले, बल्कि अब वो ऐसी ताकत है जो अपने डिसीजन खुद लेता है। इस मामले में भारत ईरान के बीच ऐसी सीक्रेट डील हुई थी जिसके ओपन होते ही बवंडर मचा हुआ है। इससे जुड़ी हर चीज हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत चाबहार पर इतनी ताकत क्यों झोंक रहा है। तो दोस्तों, भारत इस वक्त सीमा पर दो दुश्मनों चीन पाकिस्तान से घिरा हुआ है। दोनों देशों के साथ भारत लंबी सीमा साझा करता है, लेकिन इस वक्त इन देशों से तनातनी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के साथ किसी रिश्ते को बढ़ाने का सीधा मतलब है आतंक को सपोर्ट करना। भारत को अपना व्यापार करने के लिए पाकिस्तान से होते हुए जाना पड़ रहा था। ऐसे में उसे ऐसे रास्ते की जरूरत थी जिससे वो आतंकी देश से सारी निर्भरताएं खत्म कर सके। कश्मीर सहित भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सख्त मोदी सरकार किसी भी कीमत पर आतंकी देश से रिश्ते नहीं रखना चाहती है। इसी वजह से भारत इस पोर्ट पर ताकत लगा रहा है, जबकि चीन का भी इस पोर्ट पर बहुत ज्यादा दबाव है। भारत इसी वजह से एक ऐसे रास्ते की तलाश में था जिसके जरिए वो दुनिया में अपना व्यापार कर सके। न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका ने ईरान पर बैन लगा रखा है। अमेरिका का सीधा फरमान था कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसी वजह से मनमोहन सरकार ने इसे रोक दिया था, लेकिन PM मोदी ने रुके पड़े इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करवाया, क्योंकि PM मोदी की सरकार किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। इस वक्त तमाम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तान का भारत पर आरोप है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इसे अंजाम दे रही है। इस आरोप को भारत सिरे से नकारता है, लेकिन जाहिर है कि कोई भी देश अपने सीक्रेट ऑपरेशन को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहा है, ऐसे में उस पर किसी भी प्रकार की निर्भरता खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि अब पाकिस्तान भारत को अपना रास्ता नहीं दे रहा है, और भारत ने चाबहार के जरिए ही अफगानिस्तान को गेहूं भिजवाया था। चाबहार के जरिए न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया तक भारत की पहुंच का रास्ता खुलता है। सरकार अफगानिस्तान को कनेक्ट करना चाहती थी। सरकार ने वहां डायरेक्ट रेल प्रोजेक्ट के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया, जिसका सामान पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से होकर जाता था।
बाद में पाकिस्तान ने अपना पोर्ट भारत के लिए बंद कर दिया, जिससे हमारा सामान अफगानिस्तान के साथ बाकी देशों में जाना बंद हो गया। इसके बाद भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट का सहारा दिखा। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है, जो रूस से शुरू होता है और अजरबैजान के रास्ते ईरान को जोड़ता है। फिर ईरान का चाबहार पोर्ट नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जोड़ता है। यहीं पोर्ट सेंट्रल एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को भी जोड़ता है। INSTC के जरिए रूस और सेंट्रल एशिया के देश अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, जिससे आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी जुड़े हुए हैं। अब तक बंदर अब्बास, जो कि ईरान का ही पोर्ट है, उसी के जरिए व्यापार होते आया है। भारत की कोशिश है कि इसे भी INSTC में जोड़ दिया जाए। इसके लिए भारत वहां काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके बन जाने से सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा। इस प्लान के तहत भारत 30 दिन के अंदर अपना सामान यूरोप पहुंचा पाएगा। वहीं चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच की दूरी केवल 170 किलोमीटर है। यहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से भारत को मोनोपोली हासिल हो जाएगी, जिससे भारत पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रख सकता है। भारतीय कंपनी अब तक इस पोर्ट पर 8 करोड़ 50 लाख डॉलर का निवेश कर चुकी है, जिसे 25 करोड़ डॉलर तक किया जाना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 37 करोड़ डॉलर किया जा रहा है। इस मामले में भारत ने अमेरिका मुंह जिस तरह से मुंह बंद किया था, वो देखने लायक था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी मोदी ट्रंप की तगड़ी दोस्ती और भारत की जबरदस्त रणनीति। भारत ने अमेरिका को इस मामले में साफ किया था कि चीन को काउंटर करने के लिए ये बेहद जरूरी है। अगर भारत को इस मामले में छूट नहीं दी जाती है, तो इससे भारत की इकोनॉमी को झटका लगेगा और चीन भारत पर हावी होगा, जो अमेरिका के लिए सही नहीं है। इसके अलावा भारत का ये भी संकेत था कि अगर अमेरिका इस मामले में भारत का साथ नहीं देता है, तो भारत रूस से खतरनाक हथियार खरीदने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी बैन की वजह से उसे यूरोप से हथियार नहीं मिलेगा, जिसके बाद से अमेरिका सरेंडर हो गया था। अब ईरान ने इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें डिस्क्लोज की है, जिसे जानकर दुनिया में सन्नाटा पसरा है। भारत ने ईरान के साथ इस्तेमाल को लेकर किया था सीक्रेट समझौता। पोर्ट पर भारत एक तरफा करेगा राज, किसी भी देश का नहीं होगा दबाव। इस पोर्ट को लेकर ईरान ने खुलासा किया है कि भारत के साथ हुए चाबहार समझौते के कुछ हिस्से को सीक्रेट रखा गया है। ऐसा अमेरिकी बैन से बचने के लिए किया गया है। इस खुलासे के बाद जहां पाकिस्तानी भी उछल रहे हैं, जिन्हें अमेरिका ने गैस पाइपलाइन बनाने पर जमकर धमकाया था, जबकि अमेरिकी विश्लेषक बौखलाए हुए हैं। ईरानी अधिकारी अली अकबर साफई ने कहा कि भारतीय ऑपरेटर के साथ हुए समझौते को गोपनीय नहीं रखा गया है, लेकिन इसके कुछ हिस्से जरूर गोपनीय हैं। इससे पहले अली अकबर ने चाबहार पोर्ट में भारत की योजनाओं के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बात की आशंका है कि चाबहार पोर्ट समझौते की सारी डिटेल को मीडिया को बताया गया तो भारत अमेरिका के दबाव में आ सकता है। भारत की ये दमदारी देख दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। उसे ये यकीन हो गया है कि भारत कुछ भी कर सकता है और भारत इस पोर्ट पर अकेले राज करेगा। भले ही कोई और इसमें इन्वेस्ट कर रहा हो, लेकिन भारत ने पहले ही अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। पाकिस्तानी खुद भारत की तारीफ कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी ने ट्वीट करके कहा, अगर आप वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो, तो आप अमेरिका की आंखों में आंख डालकर देख सकते हो और रूस से प्रतिबंधित तेल भी खरीद सकते हो, साथ ही ईरान के साथ प्रतिबंधों के बाद भी व्यापार कर सकते हो। पाकिस्तानी हैंडलर का ये पोस्ट बताता है कि दुनिया भारत की ताकत को किस नजरिए से देखती है। पाकिस्तान खुद इसे मान रहा है कि दुनिया में उसकी औकात भिखारी की है और इसीलिए उसे कोई भाव नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बनाना चाहता है, लेकिन अमरीका के खौफ में वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। उसे अरबों डॉलर के हर्जाने का डर सता रहा है, जबकि अमेरिकी एक्सपर्ट डेरेक ग्रॉसमैन के मुताबिक भारत संभवतः अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए चाबहार पोर्ट समझौते को छिपा रहा है। अगर यह सही है, तो यह अमेरिका और भारत के पहले से ही खराब चल रही रणनीतिक भागीदारी में एक और तनाव का बिंदु हो सकता है। लेकिन चाहकर भी अमेरिका इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तो भारत ने पहले ही अमेरिका से इस मामले पर समझौता किया हुआ है, वहीं अगर वो भारत को रोकने की कोशिश करता है, तो इससे चीन को ताकत मिलेगी और अमेरिका को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। वहीं ऐसा करने पर भारत अमेरिका के संबंध बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये भारत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू किया गया था। 2003 में इसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद अमेरिका की ईरान से चल तनातनी से बातचीत को बीच में ही रोकना पड़ा था। यूपीए सरकार के वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मोदी सरकार के आते ही इस पर भयंकर तेजी से काम किया गया। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने चाबहार के एक टर्मिनल में 700 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की थी। साथ ही भारत ने इस बंदरगाह के विकास के लिए 1250 करोड़ रुपए का कर्ज देने का भी ऐलान किया था, जबकि इस साल के ही बजट में भारत ने इस पोर्ट के लिए 100 करोड़ तय किया है, जो बताता है कि भारत इसके लिए कितनी तेजी से काम कर रहा है। चाबहार पोर्ट के समझौते के लिए भारत से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी ईरान भेजा गया था। भारत और ईरान दो दशक से चाबहार पर काम कर रहे हैं। ये पोर्ट विदेश में लीज पर लिया गया भारत का पहला पोर्ट है। इसकी डील में विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने अपनी जबरदस्त डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल करके इस डील के रास्ते में आ रही सारी दिक्कतों को खत्म किया था। इस डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। तो दोस्तों, दुनिया में भारत की बढ़ रही ताकत पर आप क्या सोचते हैं और चाबहार पर भारत की रणनीति कितनी तगड़ी है, इस बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।